आइए हजरात, इस खूबसूरत महफिल में एक खूबसूरत सा तरन्नुम इस यकीन के साथ, एतमाद के साथ कि उस खूबसूरत तरन्नुम में खूबसूरत लफ्ज़ों का इंतखाब भी है, बेहतरीन शायरी भी सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह बेहतरीन तरन्नुम के साथ। आज सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों तक महदूद नहीं है डॉक्टर इफ़ाम साहब, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उन्होंने उतरौला की नुमाइंदगी की है और जौनपुर में बार 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 बुलाए जाना इस बात की दलील है कि हमारा वतन इफ़ाम साहब को बहुत मोहब्बतों से सुनता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं डॉक्टर इफ़ाम साहब उतरौलवी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामईन को नवाजें। इतने अच्छे तारुफ़ के बाद भी सलवात नहीं भेजिएगा तो कैसे काम चलेगा? नारे सलावात। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात को आज के जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूं और अभी हमारे भाई बिरादरी अजीज़ आशीवास्ते साहब ने जो जुमला कहा कि बहुत मोहब्बत से सुना जाता है, यकीनन और यकीनन मैंने जो अपनी शायरी इब्तदाई शायरी जो शुरू की वो यहीं से, क्योंकि मैं हर हफ्ते लगभग आया करता था और यहाँ से वो जो हमारे बुज़ुर्ग ने हमको सिखाया वहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाया और पूरे दुनिया में उसको मैं ले गया। हाजिर करता हूँ कि मतलब बिल्कुल वक्त नहीं है, हाजिर हाजिर भाई थोड़ा सा मतला हासिल जौनपुर अपने इल्म व अदब के लिए मशहूर है, यहाँ पर कोई भी एक एक लफ्ज ज़ाया नहीं जाते, हमारे नौजवान भाई भी बहुत अच्छी तरह से उसकी वजाहत फरमाते हैं। हाजिर करता हूँ मतला कसीद जब भी अली के सुनाए जाते हैं हमारे भाई कसीद जब भी अली के सुनाए जाते हैं मलायक भी पाए जाते हैं, तो अगली सफ में मलायक भी पाए जाते हैं, तो अगली सफ में यतीमों का खाए जाते हैं वो लोग गासिबे बागे फिदक से मिलते हैं, जो लोग माल यतीमों का खा हाजिर करता हूं बतौर खास माफ रहा हूं भाई आप लोग भी ये करे बला है
से इसे सलाम करो, ये करबला है, ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो, ये वो जमीन है जहां हुर बनाए जाते हैं। देखिए एक अलग रुख से कह दिया है इसको शेर को, मुलाजा फरमाए, हाजिर करता हूं। हर एक जा नहीं सकता हुसैन के दर पर, हर एक जा नहीं, हर एक जा नहीं सकता हुसैन के दर पर, हबीब जैसे वहां पर बुलाए जाते हैं। हर एक जा नहीं सकता हुसैन के दर पर, हबीब जैसे वहां पर बुलाए जाते हैं, हबीब जैसे वहां पर बुलाए जाते हैं। ये शेर भी मुलाजा फरमाए। बने हैं कौन से मिट्टी से करबला के दिले, मुस्कुराए जाते हैं, गमों की भीड़ में भी मुस्कुराए जाते हैं, गमों की भीड़ में। और ये शेर भी मुलाजा फरमाए, ये मुलाजा फरमाए, देखिए। अज़ा का फर्श नहीं है जिना की खेती है, अज़ा का फर्श, अज़ा का फर्श, अज़ा का फर्श नहीं है जिना की खेती है, यहाँ पाशकों से मोती उगाए जाते हैं, मोती उगाए जाते हैं। और बहुत माजरत के साथ ये शेर हाजिर करता हूँ कि उसमें से 1% लोग, जितने लोग करबला मौला जाते हैं ज़ियारत करने, उसमें 1% लोग अपना आराम और ये सब तलाश करने लगते हैं। मैं हाजिर करता हूँ लज़्ज़त में, ख़ास तौर से देखिएगा, ये हकीकत है, इसलिए इसको शेर में नज़्म कर दिया। नारे सलवात इरशाद फरमा दीजिए। ये करबला है यहाँ पर खुलूस से आओ, ये करबला है यहाँ पर खुलूस से आओ, यहाँ खजाने नहीं दिल लुटा जाते हैं, यहाँ खजाने
नहीं दिल लुटाए जाते हैं। शेर हाजिर करता हूं, देखेंगे। वो जिस जगह पर निकलता है परचमे अब्बास, वो जिस जगह पर निकलता है परचमे अब्बास, उसी जगह पे वफादार पाए जाते हैं। पछाए जाते हैं हुसैन वाले जमाने। यहां से मैं बहुत तेजी के साथ एक मतला और चंद अशआर और हाजिर करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। मतला हाजिर करता हूँ। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। दस पर गौर फरमाए, हाजिर करता हूँ। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे, शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे, वो खुद को मुसीबत में गिरफ्तार करेंगे। शब्बीर की मजलिस कार करेंगे। शेर हाजिर करता हूँ, देखेंगे कि मैंने मैंने अक्सर देखा है कि करबला मोहल्ला में जब आप बाहर निकलिए तो इंशाल्लाह आज की इस महफिल के सदक़े में जो लोग नहीं गए हैं वो इसी साल जाए इंशाल्लाह, और जो लोग गए हैं वो दोबारा जाएं, और जो दोबारा जाते हैं वो हर साल जाएं। शेर हाजिर करता हूँ, जब वहाँ पर आप बाहर निकलिए तो देखिए गरीब लोग, शक्ल से अरब नहीं है, लेकिन पूछिए उनसे जाके कभी कि आप कहाँ से हैं तो बताते हैं पाकिस्तान या जहाँ भी। आप उनसे पूछे कैसे आए, कहा बस ख्वाहिश थी कि मौला बुला लेते, तो वो किसी ने भेज दिया है, किसने पैसे दिए सब किसी उनको कुछ नहीं मालूम है। ये बारहा हमारे शुआरा कराम भी देखते हैं और हमारे जो मौजिस हजरात जाते हैं वो भी इस मंजर को देखते हैं। मैं शेर हाजिर करता हूँ, कसम खुदा की सुनिए। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे, एक बार ज़ियारत का इरादा तो जरा कर, एक बार ज़ियारत का इरादा तो जरा कर, शब्बीर तेरा रास्ता हमवार कर। थोड़ा सा एक बार ज़ियारत का इरादा तो जरा कर, एक बार
शबीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। ओ नाना से मोहब्बत है, नवासों से अदावत, नाना से मोहब्बत है, नवासों से अदावत, ये काम फकत बुग्ज के बीमार करेंगे। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। शेर हाजिर करता हूं, देखेंगे। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। ऐ नस्ले उमैया तू घड़ी भर तो ठहर जा, रुसवा तुझे आप दे सरे दरबार करेंगे। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। ऐ नस्ले उमैया तू घड़ी भर तो ठहर जा, रुसवा करेंगे। और ये जाब मुख्तार की बारगाह में शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास समात फरमाइए। एक लंबी बहस है जनाब मुख्तार के लिए, शेर हाजिर करता हूँ जौनपुर के स्टेज से हाजिर करता हूँ बतौर खास समात फरमाइए। 10 मुहर्रम के बाद इस वास्ते आबिद ने उठाई नहीं तलवार, इस वास्ते आबिद ने उठाई नहीं तलवार, ये काम है मुख्तार का, मुख्तार करे। इस वास्ते आबिद ने उठाई नहीं तलवार, इस वास्ते आबिद ने उठाई नहीं तलवार, ये काम है मुख्तार का, मुख्तार करेंगे। इस वास्ते आबिद ने उठाई नहीं तलवार, ये काम है मुख्तार का, मुख्तार करेंगे। और ये शेर भी मैं काफी हाजिर करता हूँ, देखिए ये शेर मुलाजा फरमाए हमारे नौजवान भाई, शेर हाजिर करता हूँ। डॉक्टर साहब देखेंगे, साहिल पा बताते हैं ये अब्बास के तेवर, साहिल पा बताते हैं ये अब्बास के तेवर, हम आज इसी नेज को तलवार करेंगे। शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। शेर मुलाजा फरमाए, हाजिर करता हूँ कि कश्ती ये वफा को अभी अब्बास दिलावर, भाई आप लोग कश्ती ये वफा को अभी अब्बास दिलावर, दो हाथ में इस पार करेंगे।
शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए, आप लोग जो अभी तक नहीं बोले वो बोलिएगा, हाजिर करता हूँ मुलाजा फरमाए शोरा इब्राहिम खास तौर से देखिए कि मुमकिन तो नहीं काटना खंजर को ज़बान से। बतौर आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, मुमकिन तो नहीं काटना खंजर को ज़बान से, मुमकिन तो नहीं काटना खंजर को ज़बान से, मुमकिन तो नहीं काटना खंजर को ज़बान से, ये काम मगर में समेत मार कर। मुमकिन तो नहीं काटना खंजर को ज़बान से, मुमकिन तो नहीं काटना खंजर को ज़बान से, ये काम मगर में समय तमार करेंगे। एक बार ज़ियारत का इरादा तो ज़रा कर, शब्बीर की मजलिस से जो इनकार करेंगे।